चुनाव का समय आ गया है और झूठे वादों की लहर आ गई है और अब होगा कुर्सी को लेकर घमासान युद्ध। हर कोई अपने आप को एक से बढ़कर एक दिखाने में है आगे। अब निर्भर करता है जनता पर कि वो क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि निर्णय लेने का काम है सिर्फ जनता का। किसको अपने सर का ताज बनाती है और किसको सह और मात मिलती है। सह और मात का नया खेल देखिए सिर्फ इंडियन प्राइम न्यूज पर। यूपी में चुनावी रणभेदी के दौरान 208 विधानसभा भोगनीपुर से जुनैद खान को बसपा से प्रत्याशी बनाया गया। जनता द्वारा मिल रहे भारी समर्थन को देखते हुए विपक्षी पार्टियों में भगदड़ का माहौल नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं जहां सैकड़ों लोगों ने अब की बार जुनैद खान जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद के नारे लगाकर भरपूर समर्थन दिया। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि अब की बार जुनैद खान को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, जिससे हमारे क्षेत्र में संपूर्ण विकास हो सके। वहीं बसपा प्रत्याशी जुनैद पहलवान ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर जनता को आश्वासन दिया कि अगर मैं विधायक बनता हूं, अपने क्षेत्र में ही रोजगार की व्यवस्था करेंगे। यूपी चुनावी रणनीति के दौरान बसपा उम्मीदवार जुनैद खान ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट को इंडियन टाइम न्यूज पर चंद बहादुर सिंह के साथ। भैया आपका नाम परिचय? मेरा नाम जुनैद खान। सर 208 विधानसभा भोगनीपुर से आपको बसपा ने उम्मीदवार बनाया हुआ है, अगर आप किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं अगर आप विजयी होते हैं? सबसे पहले माननीय बहन जी को धन्यवाद, हम जैसे छोटे आदमी के ऊपर विश्वास जताया उन्होंने, बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी को धन्यवाद, माननीय बहन जी को धन्यवाद। अगर विकास की मुद्दों की अगर बात की जाए, अगर आप विजय श्री तिलक लगाते हैं तो आप कौन कौन सौगात आप जनता क्षेत्र में देंगे? आप सबसे पहले हमारा प्राथमिकता है शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे। जब शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आदमी नौकरी भी अच्छी करेगा और रोजगार भी अच्छा करेगा। जिस तरीके से यूपी में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे क्या? यूपी के हालात तो दुनिया जान रही है, कोरोना काल से लगा के अब तक आदमी मारामारी में है। इसी वजह से तो हम कह रहे हैं आपसे बार बार उसी बात को कि सबसे पहले हम अपने क्षेत्र में विधायक बनने के बाद अगर जनता मुझे विधायक चुनती है, और पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, जनता मुझे विधायक बनाएगी, पूरा विश्वास है, सब समाज के लोग हमारे साथ हैं। अगर जनता मुझे विधायक बनाती है, सबसे पहले तो रोजगार की बात की जाएगी। यहाँ पे हमारे क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ वगैरह हों, लोग अपने बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो तो बाहर काम करने में जाए, अपने क्षेत्र में काम करें, अपने घर में रहें। आप लोगों ने अभी देखा कोरोना काल में लोग 3,000 किलोमीटर से पैदल चल के अपने घर आए, लोग रास्ते में मर गए। तो हमारा प्राथमिकता ये भी रहेगी कि हमारे लोग बाहर ना जाएं, हमारे लोग हमारे क्षेत्र में काम करें। तो क्षेत्र में आप जो काम करने के लिए किस तरीके का आप यहाँ पर फैक्ट्री या किस लेवल का काम करने का सोच रहे हैं आप? एक विधायक की क्या हैसियत होती है, विधायक अपना प्रयास करेगा, अपने मुख्यमंत्री से बात करेगा, अपनी बात रखेगा, जाएगा सदन में अपने क्षेत्र का विकास की बात करेगा। विधायक बनने का मतलब क्या होता है, हम लोग तो सड़क साफ आदमी 100 डायल वाले लोगों ने बुलाया, खड़े हैं उनके साथ में, दुख सुख में रोड से लेकर जंगल तक। चुनावी माहौल में जनता से कोई खास अपील आप लोगों की? जनता से अपील, जनता हमारे ऊपर विश्वास जताए और वोट दे, जनता का कहीं सम्मान झुकने नहीं देंगे, जनता हर मोड़ में जनता के साथ खड़े रहेंगे। एक और यूपी में चुनावी हलचल को लेकर जमीनी स्तर पर सभी पार्टियां काम कर रही हैं, इसको लेकर आज हम आ चुके हैं नगर पंचायत अमरोधा क्षेत्र में। यहां की आम जनता से राय जानेंगे कि किसको वोट देंगे और किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, क्षेत्रीय विधायक कौन होगा। जैसे हम बता दें कि सभी 208 विधानसभा भोगनीपुर से सभी कैंडिडेट ने नामांकन पर्चा भर दिया है, जिसको लेकर जुनैद पहलवान बसपा पार्टी से भी नाम आ रहा है। इसको लेकर हम बात करते हैं यहाँ की जनता से राय कि अब की बार किस तरीके का किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं और जुनैद पहलवान कहाँ तक विपक्ष पर हावी होंगे, जो अन्य पार्टी उम्मीदवार उनको किस तरीके से मात देने पर वार्ड बोलने बोलो किसको देखना चाहते हैं। एक बुजुर्ग चचा भी है, उनसे जानेंगे। चचा क्या नाम है आपका? तो अब की बार 208 विधानसभा भोगनीपुर से सभी पार्टियों ने पर्चा दाखिल कर लिया है, सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो, अब की बार आप किसको आप विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? जुनैद पहलवान जी को। अच्छा, तो जुनैद पहलवान जी से आपने क्या क्या उम्मीदें लगाई अब की बार? कैसा सारी उम्मीदें उनसे और वो हमेशा काम करते हैं गरीबों के हितों के लिए लड़ने वाले जुनैद पहलवान को लेकर जनता के बीच में खुला समर्थन मिल रहा है और समर्थन इस कदर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद हैं। लगातार मैं कहना साथ ही कहना चाहूंगा ये नजारा दिखाए, यहाँ का रोल दिखा रहे हैं कि ये बहुमत देख लीजिएगा कि जुनैद पहलवान को लेकर जमीनी स्तर पर किस तरीके से लोग खुला समर्थन दे रहे हैं कि अब की बार विधायक रूप में जुनैद पहलवान को देखना चाहते हैं। और भी भैया हमारे कैमरे पे एक दो लोग हैं, उनसे पूछेंगे। भैया आपका नाम क्या? डॉक्टर अशल गौतम। अरे भैया अब की बार किसको विधायक रूप में आप देखना चाहते हैं? और अरे मानिया बहन जी ने
विनय पहलवान जी को टिकट दिया है तो विधायक इन्हीं को बनाएंगे। अच्छा ये बताइए कि वर्तमान जो भाजपा के विधायक रह चुके विनोद कटियार जी, इनको आप हीरो कहेंगे या जीरो कहेंगे, क्या क्या उन्होंने विकास कार्य कराए, क्या लगता है? भैया ऐसा है कि हमारी नज़र में तो उनका विकास कार्य हमारे विधानसभा में कहीं नहीं दिख रहा, 1% कोई भी काम। और वो दो चार बार मूसानगर तरफ गए और कई जगह उन्होंने सर्वे करके और तमाम हिंदू लोगों को जो है ये समझाने का काम किया कि मैं ये पर्यटन बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ, लेकिन वहाँ हुआ कुछ नहीं। जिस तरीके से पर्यटन की अगर बात की जाए तो भोगनीपुर चौराहे में एक भोगी सागर तालाब पड़ता था जी, विधायक जी ने वहाँ पर उनकी सरकार ने वो वहाँ पे करीब दर्जनों बिल्डिंगें गिरा दी, ये हुआ कि उसका तालाब का सौंदर्यीकरण होगा, वहाँ पार्क बनेगा और सरकार तो 4.5 साल 5 साल पूरे बराबर हो गए, विधायकी खत्म होने वाले हैं, विधायकी खत्म होने वाली है, लेकिन अभी वहाँ सौंदर्यीकरण उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे विधायक जी को? सौंदर्यीकरण तो उनका एक वो एजेंडा है ना कि वो पूरे देश को सुंदर बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन सुंदर कहाँ बन रहा है, देश तो जा रहा है बिल्कुल गड्ढे में। अच्छा कई गाँव में जमीनी स्तर हमने खबर बनाई है जिसमें कई गाँव के लोग कहते हैं की बार फिर भाजपा सरकार, क्या इसमें कहना चाहोगे? ऐसे तो मीडिया और तमाम लोग हैं इस तरह से जो धुर सपोर्टर अंधे होते हैं बिल्कुल एकदम से, तो उनको तो ये कहना है ही है तो कहेंगे, लेकिन अब की बार आपने मन बना लिया, अब की बार जुनैद पहलवान का तिलक माध्यम सजना है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, मेरी पार्टी का नियम है कि जिसको टिकट देती है उसको वोट 100% देख सकते हैं कि ये यहाँ की आम जनता के राय है, जहाँ पर जुनैद पहलवान का खुला समर्थन खुला सपोर्ट और अब की बार हाथी की सरकार कई दावा लोग भर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार, लेकिन भोगनीपुर विधायक के रूप में जुनैद पहलवान का नाम सबसे आगे आ रहा है। देखते रहिए इंडियन प्राइम न्यूज़ खास रिपोर्ट जंग बहादुर सिंह के साथ।